बात की जाए सर सुशील कुमार रिंकू और जो शीतल अग्रवाल है वो आम आदमी पार्टी छोड़ जो भाजपा में शामिल हुआ है, रोड शो भी हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने जो वर्कर थे उन्होंने उनका विरोध किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक साइन भी दिया है, कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिया है, तो इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? ऐसा है, सवारी अपने सवान की आप जिम्मेवार है, जेड़ा अपने आप को संभाल के नहीं रख सकता वो अगे ते अगे बढ़ी जाता है लाल चार दबाव के अगे। लेकिन जदों वो कांग्रेस छड़ के आए सी तो आम आदमी वाले उन्होंने देश भगत दस रहे सी, अज उन्होंने छड़ के चले गए है, अज उन्होंने गिरदार दस रहे है। जिन्हें गिरदारियां करनिया वो बार बार करता है, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा और अक्स रखने वास्ते सारी जिंदगी लग जाती है। बदनामी तो एक मिनट च खट लो, चाहे इन्होंने बार बार बदनामी खट्टी है ते लोकां तो मोह भंग हो गया इन्हां दा। आम आदमी पार्टी भी दूसरियां पार्टियां चों उम्मीदवार लभदी है, जद इन्हां वल आउंदा है तां वाशिंग मशीन च बहुत वधिया साफ सुथरा कर लैंदे, कहिंदे बहुत वधिया बंदा है। जद इन्हां चों जांदा है फिर जुलूस कढ़दे है, फिर उहदे घर मूहरे धरने दिंदे है कि जी गिरदारी करके चले गया। मैनूं इह नहीं समझ आउंदी वी तुहाडी तां है ही गिरदारां दी पार्टी है बई, आम आदमी पार्टी किहड़ा बंदा है तुहाडे च जिहड़ा किसे होर पासे ते नहीं आया वा। सर 2024 चुनाव जो नजदीक है तो इस दौरान प्रगट सिंह ने हाईकमान को कहा था कि जितने बड़े चेहरे हैं पंजाब के तो उनको इस बार उतारना चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो कमेंटेटर बन गए जाके वो कहीं ना कहीं जो प्रचार भी नहीं करते नजर आ रहे हैं। जबकि तो कांग्रेस पार्टी की ए टीम खेलेगी, बी टीम नहीं खेलेगी, और अच्छे चेहरे है जो जो अपने आप में कद्दावर नेता है, लोग जिनको मानते हैं उनको आगे लेकर आए। मतलब दो टीमें हैं क्या? कांग्रेस गठबंधन होगा, ऐसा नहीं होता, ये कहते हैं ये कि ऐसे ऐसा हो रहा है। कांग्रेस से गठबंधन होगा पंजाब का? किसका भैया? कांग्रेस आम आदमी किस जमाने में सर आपको लग रहा है? जब सर में होगा तो यहाँ नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। सर आपको लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से, इस पे क्या कहना है? ये जो दरख्त है इसने अपने बाहर से खुद गिरना है, किसी को इसको गिराने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को गिराएंगे। और आपकी चर्चा हो रही है कि जालंधर से आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने पहले भी कहा है भैया, मेरी चर्चा तो होशियारपुर में भी हो रही है, मेरी चर्चा फतेहगढ़ साहब में भी हो रही है, और कई क्षेत्रों वाले मुझे गंगानगर में भी बुला रहे थे। तो लेकिन आखिर में पार्टी फैसला करेगी कि किसने कहां से लड़ना है, जो पार्टी का फैसला होगा वैसे चलेंगे। आप कहां से इंटरेस्टेड हैं? मैं तो पंजाब में कहीं भी रख लो, बाहर मत भेजो।